हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आशीष जोशी। दोस्तों मेरे एक दिमाग में एक छोटा सा आइडिया आया है। ओहो क्या बात, आपके भी दिमाग में ये आइडिया कभी ना कभी पक्का आया होगा कि जितना हम टीवी देखते हैं हमारा बिल उतना ही आए। जैसे मेरे जैसे लोग हैं जो आधे से ज्यादा दिन दिहाड़ी मजदूरी में ही रह जाते हैं, वो दिन का एक घंटा भी या आधे घंटा भी टीवी नहीं देख पाते। तो अगर ऐसा होता है जैसे कि बिजली का मीटर होता है, पानी का मीटर होता है, या फिर अभी आजकल गैस कनेक्शन में भी मीटर लगने लग गए हैं, तो ऐसे में क्या है अगर आपका भैया केबल ऑपरेटर आपके सेट ऑफ बॉक्स में मीटर लगा के चले जाए और बोल दे भैया आप जितना देखेंगे उतना ही भरेंगे, तो हम जैसे लोगों की जेब पर बहुत जो भारीपन होता है केबल का वो कम होने वाला है। तो प्रेजेंट टाइम में तो ऐसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन फ्यूचर में अगर ऐसा कोई प्लान आता है तो हम सब लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है कि भैया आधे घंटे देखो, एक घंटा देखो। कभी कभी तो मेरा टीवी पूरे महीने में आधे घंटे या एक घंटे भी नहीं देख पाता हूँ कभी, क्योंकि मैं छुट्टी चले जाता हूँ, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है। भैया अपने टीवी तो अपने को ये कहता है कि भैया जब तूने मेरे को यूज करना ही नहीं था तो हमारे अपने घर में मुझे लाया ही क्यों। कभी किसी ऐसे के घर में तो जाता है कम से कम जो मुझे यूज करते, जो मेरा जितना आपने पैसा लगाया है उस हिसाब से उसको यूज कर पाते। तो आजकल होता क्या है कि केबल ऑपरेटर और जो डीटीएच ऑपरेटर है आपके सेट ऑफ बॉक्स का जो रेंट है, एक महीने का रेंट है, वो फिक्स होता है कि भैया आपने इतना इतना देना ही है, आप देखो ना देखो 24 घंटे देखो, जो करना है करो आप अपनी टीवी और अपने केबल के साथ। तो इसमें क्या होता है कि अगर ये जो आइडिया मेरे दिमाग में आया है, ये मीटर वाला जितना देखो उतना भरो वाला, या अगर केबल ऑपरेटर्स या किसी कंपनी के दिमाग में अगर ये आइडिया आता है तो वो रातों रात बहुत चलने वाला है और हम जैसे लोगों के लिए तो बहुत ही फायदा होने वाला है। तो भाई लोग आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपना प्यार और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक अपना अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।